नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिकिन। स्वागत करता हूं आपका ट्रेंडी स्टैंड में। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे पूरे दिन एसी चला सकते हैं और उसका बिल केवल 1000 रुपये आएगा। गर्मी आते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि अब तो बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आएगा, लेकिन इस तपती गर्मी से बिना कूलर, एयर कंडीशनर और फ्रिज के रह पाना मुश्किल है। ऐसे में ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल करने से पहले इसकी मेंटेनेंस करा लो, क्योंकि ख़राब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के इस्तेमाल से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आपके घर की बिजली का बिल कम आएगा और बिना किसी टेंशन के दिन रात कूलर और एसी का यूज कर सकेंगे। अगर आपके घर में एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर या फिर पानी की मोटर लगा हुआ है तो गर्मी आते ही इसका सर्विस करा लें। ऐसा करने से बिजली बिल को 15-20% तक घटाया जा सकता है, क्योंकि ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बिजली की खपत ज़्यादा करती है। गर्मी में सबसे ज़्यादा एसी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इसे यूज़ करने से पहले कई बातों का ध्यान देना ज़रूरी है ताकि बिजली का बिल कम आए। ऐसे में ज़रूरी है कि रात में सोते समय टाइमर सेट कर लें ताकि एसी ऑटोमेटिक ही बंद हो जाए। इससे काफ़ी हद तक बिजली के बिल को ज़्यादा आने से रोका जा सकता है। इसके अलावा एसी को जब भी चलाएं उसे 28-30 डिग्री पर रखें और फिर धीरे धीरे उसके तापमान को कम करें। ऐसा करने से एसी कम पावर लेता है और बिजली बिल कम आता है। इसके अलावा इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करके भी बिल बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, कोशिश करें कि सोलार ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा यूज हो, क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप बहुत ज़्यादा होती है और इस धूप से आप सोलार पैनल के जरिए बिजली पैदा कर सकते हैं। हालांकि कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इनका उपयोग नहीं करते। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी कही हुई चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और आपका बिजली का बिल ज़रूर कम आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।